शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से आज ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी ने पिछले साल 22 अगस्त को आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर आज ईडी ने सिसोदिया का बयान दर्ज किया। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के विरोध में होली नहीं मनाएंगे, पूरे दिन ध्यान करेंगे। शराब घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की। ईडी ने सिसोदिया का बयान भी दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की, जो 2 दिन तक चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। तिहाड़ जेल में सिसोदिया से ईडी की पूछताछ के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए, बोले देशभक्तों को परेशान करना ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा से भी पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक शर्मा को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था, जहां सुबह से भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई, जिसमें सिसोदिया से पूछा गया, आप 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं? आपने शराब नीति में बदलाव क्यों किया? ईडी ने बताया कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने सोमवार की शाम हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरुण रामचंद्र पिल्लई को 13 मार्च तक की ईडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर सिसोदिया को परेशान कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है अभी तो बड़ी मछली का पकड़ा जाना बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया है। अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। जो लोग आपके काबू नहीं आए उनके आप पीछे पड़ गए, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको जो है रोज पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आप उनको इतना हैरेस कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से सवाल करना बंद कर दें। कि जो कार्रवाई हमारी एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ की है या अभी अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये है कि हम ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अत्याचार हो रहा है मेरे हिसाब से, वो जिस तरह से लालू जी के खिलाफ ये आज कर रहे हैं और सिसोदिया के खिलाफ, सही या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सही, ये मैसेज ठीक नहीं है। शराब घोटाले से उपजे सियासी झंझावत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने दिल्ली मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में सौरभ भारद्वाज और आतिशी की नियुक्तियों को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में बंद होने से आहत सीएम केजरीवाल ने इस बार होली न मनाने का फैसला कर लिया। दीपक दुबे के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 24।